ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तनवर में लगे रमज़ान मार्केट पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बात सामने आ रही है कि यहाँ गाले भाड़े पर दिए जा रहे हैं। टोकन जिसको मिला है वही लोग भाड़े पर गाले दे रहे हैं। ज़्यादा पैसे लेकर गाले देने की बात सामने आ रही है। वहीं इस मार्केट में एक व्यक्ति को एक गाले देने की बात सामने आ रही थी, वो भी आधार कार्ड का जेरोक्स जमा करें, टोकन ले, जो नंबर आएगा वो गाला आपको मिलेगा। तनवर मार्केट में आपको दिखाते हैं कि चार गालों को एक गाला बना दिया है और एक ही व्यक्ति का ये वो इस गाले को एक बनाकर इसमें जूते बेच रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या जिसने टोकन लिया है उसने इस व्यक्ति को ये गाले भाड़े पर दिया है, जो चार गालों को एक बनाकर इसमें जूते बेचा जा रहा है। एक तरफ 2000 में गाले देने की बात की थी, मगर वहीं कई हॉकर्स हमें मिले जो इस तनवर मार्केट में गाले भाड़े पर देने और टोकन लेकर किसी और को गाले भाड़े पर देने की बात सामने आ रही है। गाले बनाए गए हैं, अभी आधे से आधे खाली पड़े हुए हैं उसमें, और टोकन आपने सब बांट दिया है, उसके बावजूद लोग धंधा लगाने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी गाले इसलिए खाली पड़े कि आप 1:30-2 बजे आए, लेकिन जो गाले हैं लगभग सभी लोग अपना धंधा लगाना शुरू कर दिए। कुछ लोग बचे जो मार्केट को लेट, जिन लोगों ने मार्केट को ना बने और अड़ंगा डाले कि मार्केट फेल हो जाए और लोगों को उकसाया कि मेन रोड पे ही मार्केट लगने वाली है, ऐसा उकसाया और बेचारों को आस दिलाई, उनको मेन आस दिलाई कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, और वो बेचारे दर दर भटक रहे। लेकिन वो अभी भी भटक रहे हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली, अभी भी वो भटक रहे हैं सड़कों पर। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि जो लोग गए थे उसमें से ज़्यादातर लोगों को हमने वापस गाले दे दिए, और हमने हमको उनसे कोई शिकायत नहीं, हमने दिल बड़ा किया और उनको भी गाले। वो लोग तो आरोप लगा रहे थे ना आपके ऊपर कि आप पैसे मांग रहे हो, ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, तो फिर वो लोग कैसे वापस आएंगे? वो लोग तो चले गए थे यहाँ से, आपका विरोध कर रहे थे, आप पे तमाम आरोप लगा रहे थे। मेरे पास आप प्रूफ है, वो सभी लोग बेचारे गरीब होकर से, उनको काहे को हम हमारे ये सब राजनीति में फंसाए, उनको वो पूरे ज़्यादातर होकर रिटर्न आ गए और अपने गाले यहाँ पे लगाना शुरुआत कर दिए, और हमको उनसे कोई शिकायत नहीं, हमने उनको गाला बड़ा दिल करके दे दिया। क्योंकि चलो भाई, आप ट्रैफिक की बात करें तो जिस तरह से मुमरा में ट्रैफिक का मसला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं सही समय पर पहुंच रहे हैं अपने घरों पर, तो अब हॉकर्स को लेकर और ट्रैफिक को लेकर, ये दोनों मसलों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ही ने आपके चैनल पर दिखाया, मुमरा स्टेशन पर लोग जो जाते थे उनके इंटरव्यू मैंने आप ही के चैनल पर देखा, आज वो कितने खुश है, और कोई ना कोई किसी न किसी को तो कुर्बानी देना पड़ेगी। मैं उन हॉकर्स को सलाम करता हूँ जिन्होंने आवाम का भी हक देखा कि उनकी वजह से ट्रैफिक होती थी, आज वो आके मित्तल में बस गए, और जो ईद में जो अपना स्टॉल लगाते थे उनको भी, उनकी भी सराहना की जाना चाहिए कि उन्होंने भी आके अपने बिजनेस और अपने स्टॉल यहाँ लगाए। मुमरा कोसा की आवाम को आज बड़ी समस्या थी, बड़ी ये 3-4 समस्या, एक ट्रैफिक है, दूसरा सबसे बड़ा क्राइम इधर ये हॉकर्स की वजह से हो रहा था। जो हॉकर्स बेचारे गरीब है उनसे जो हॉकर्स माफिया है वो पैसे लेते थे और उनके खुद के 15-20 गाले होते थे, तो ये हो गया। तीसरा बड़ा मामला ये है कि इनके 15-15-20-20 गाले खुद के थे, उसके बाद ये चोरी की लाइटें वापर रहे थे और ये चोरी की लाइट का भी पैसा लेते थे, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, इसीलिए ये सब तलमला रहे। आपको मैं ये बात सच्चाई बता रहा हूँ, ये तलमला रहे इसीलिए कि जो लाइट पे लाइट ये देते थे और इनको हफ्ता आता था, वो पैसा बंद हो गया, उसके बाद इनकी 15-15-20-20 छपड़ी थी वो बंद हो गया। हम यहाँ देने वाले नहीं किसी को 15-20 गाले, हम मिनिमम आप कितने गाले लगाते थे, आप कितने स्टॉल लगाते थे, हम डॉक्यूमेंट देखते थे, हमारे एक परिवार के 5 है उनको भी नहीं दे रहे, अब एक परिवार है आप लगाते थे एक देंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी यहाँ पर जगह भी नहीं है। ठीक है, हम आगे पर्याय करेंगे, बड़ा हॉकर्स प्लाजा करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम एक डॉक्यूमेंट्स पे एक ही दे रहे, और आप लगाते थे तो दे दे, फिर भी जो लोग अगर यहाँ से कुछ लेके हॉकर्स के टोकन बाहर ब्लैक में बेचे
तो उन पर सख्त। ये बात सामने आई है कि यहाँ पर कुछ हॉकरों ने जो है टोकन लिया और गाली भी बेचे हैं, तो क्या आप लोग ने उनके ऊपर कार्रवाई की? देखिए ना कैसा है, मैं उससे नकार रहा नहीं उसको, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने इतनी कम पैसे में दिया है, और मार्जिन जो है ना कोई भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो हाई हो जाती है। यहाँ पे कई हज़ार लोगों को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए जगह चाहिए और हमारे पास चंद गाले 300 सवा 300 गाले, तो उसमें से हमने कूपन बांट दिए लोगों को, तो ज़रूरी जाहिर बात है यहाँ से बाहर लोग बेचेंगे। लेकिन हम लोग ने पूरी नज़र रखे, अगर एक भी आदमी पकड़ा गया तो ज़िंदगी में कभी वो मार्केट में टोकन नहीं लगा पाएगा और उस पर FIR तो हम दाखिल करेंगे। अब बात हॉकर्स की, आखिर रोड के साइड में जो पट्टा है हॉकर्स वहाँ बैठते थे, इसमें तीन अध्यक्ष हैं और तीनों अध्यक्ष अपने अपने तरीके से हॉकर्स के लिए काम करते हैं, और हॉकर्स के लिए अब कौन हक की आवाज़ उठाएगा, किस तरह से लड़ेगा, जब इन हॉकर्स में खुद एकता नहीं है, ये हॉकर्स अपना फ़ायदा जिस तरफ देखते हैं उधर चले जाते हैं, ऐसे में इनके लिए इनके हक की लड़ाई कोई कैसे लड़ेगा? जब तक ये एक होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे ये हॉकर्स का मामला हल होने वाला नहीं है। इनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं ये हॉकर्स उसी का साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिस मार्केट में हॉकर्स को लगाने के लिए बवाल हुआ उसी मार्केट में वही हॉकर फिर दोबारा लौट आए हैं। हम लोग बाहर मार्केट में धंधा लगा देते, हर साल मंडप रमजान में मंडप डालते थे, जो पैसे में हमको बाहर मंडप मिलता था वही पैसे के अंदर हमको मंडप यहाँ मिल रहा है और हम यहाँ पे मंडप लेके खुश है। हम लोग 12 साल से बाहर लगा रहे किस्मत में धंधा, और बहुत ही मतलब जो खर्चे में वहाँ हम लोग 1000, 1200, 1500, 2000 में जो होता था 100-200 ऊपर नीचे है। यहाँ पे हम लोगों को शानू भाई ने अलॉटमेंट किया है, टोकन दिया है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा सिस्टम भी रखा हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ की सहूलत भी दी है, पानी की, लाइट की, हर चीज़ की। तो जजाए खैर, जजाक अल्लाह खैर शानू भाई और जिन भाइयों ने यहाँ पे अवार्ड साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर लगता था बल्कि 100-200 कम ही मिल रहा है उससे भी यहाँ पे। इस टेंशन से आदमी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ऐसा सेटअप हो जाए अलहमदुल्ला कोई मसला ही नहीं रहेगा। हम लोग कायम रहे हुए यहाँ, किसी मार्केट लगी भी हमेशा के लिए कायम रहे हुए, हमको कोई तकलीफ ही नहीं होगी ना भाई, घड़ी भागना पड़ता म्यूनसिपालिटी की वजह से। बहकावे में आके चले गए थे भाई, शानो बानिया करके दिए, बेहतर हो गया, बहुत बहुत खुश है भाई, बहुत बहुत खुश है। देखा आपने ये हॉकर्स जो कभी इधर तो कभी उधर, अब क्या कहेंगे आप? जब तक इनमें एकता नहीं होगी तब तक इनका मुद्दा हल नहीं होगा। इनके लिए हक की आवाज़ अब कौन किस तरह से उठाए? ये जिस तरफ अपना फ़ायदा देखते हैं उसी तरफ चले जाते हैं। जब तक इनमें एकता नहीं होगी इनका हल नहीं निकलेगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।